आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने नगर निगम परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को छठ घाटों की साफ सफाई व अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा समेत अन्य अधिकारियों शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ अपर नगर आयुक्त चास अनिल कुमार, अपर संहारता सादत अनवर, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती, BSCT DSP कुलदीप कुमार आदि उपस्थित थे। निरीक्षण क्रम में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने सेक्टर 5 स्थित यप्पा तालाब, सेक्टर 9 स्थित कूलिंग पॉन्ड, सेक्टर 3 स्थित एडीएम भवन तालाब, सोलागीडी तालाब, चास स्थित गर्गा पुल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने पर्व से पूर्व घाट की अच्छी तरह से साफ सफाई करने की बात कही, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। ये आज उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा जो जितने भी बोकारो सिटी में चास में जो भी छठ के घाट हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस सभी घाटों पर मुस्तैद रहेगी, कल से लेकर अगले 3 दिनों के लिए। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को हम लोग तैनात कर रहे हैं, महिला फोर्स भी रहेगी और हमें राज्य स्तर पर भी काफ़ी फोर्स बाहर से मिले हैं, उसको भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी घाट पे इनफ फोर्सेज डिप्लॉय रहेंगे। उसके अलावा जो कोविड के गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के लिए भी फोर्सेज वहाँ रहेगी और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोविड के गाइडलाइन का कोई वायोलेशन नहीं हो और पीसफुली हम लोग जो इवेंट है उसको सेलिब्रेट करेंगे। छठ पर्व को देखते हुए आज हमारे द्वारा SP साहब द्वारा संयुक्त रूप से जो प्रमुख छठ घाट है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जगह लगभग तैयारियां हो गई हैं, समितियों के स्तर से भी, प्रशासन के स्तर से भी सभी तैयारियां की गई हैं। गोताखारों को भी हम लोग प्रतिनियुक्त किया है जहां पर गहराई अधिक है। NDRF की टीम को भी कॉल किया गया है, वो लोग भी फील्ड में सक्रिय रहेंगे। सभी आगंतुकों के लिए तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं। समितियों से भी अनुरोध किया गया है कि कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और लोगों को क्रमवार तरह से अर्घ देने के लिए और पूजा करने के लिए यहाँ पर व्यवस्थित करें और अपने वॉलंटियर्स को भी लगा कर रखें।